अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है मोहम्मद असरार ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, हम इस चैनल के खासकर इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से लेकर आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, आए दिन आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों को मुल्क भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उसको जाल में फंसाकर उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस खबर को मैं आप तक अभी शेयर करने जा रहा हूँ, दरअसल दोस्तों ये मध्य प्रदेश के खंडवा से है। दोस्तों, खंडवा में ये जो नफरत की बीज है, जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, जो मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, दोस्तों ये अंधभक्त अपनी औकात दिखा रहे हैं। और किस तरह से एक महंत पर, एक हिंदू महंत जो एक साधु होता है, दोस्तों उनके जो है सरेआम ये बाल काट रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकता। अगर आपको किसी को इस वीडियो को देखना है तो आप इस ट्वीट पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग इंसानियत को एकदम ख़त्म कर दिया है। और हैवानियत के जो भी कारनामे हैं, जो भी काम है, सब इन लोगों ने, इन अंधभक्तों ने अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये कोई पहले घटना नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि मुसलमानों के दाढ़ी को काटा जा रहा है, मुसलमानों की टोपी को देखकर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, लंबा पंजाबी और पिरहान देखकर जो है उन पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में जिस सच्चाई को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दरअसल दोस्तों ये कोई मुस्लिम का घटना नहीं है, बल्कि ये एक हिंदू महंत है, एक जो है एक साधु है, और इनका जो है बाल सरेआम लोगों के सामने काट दिया गया। दोस्तों, ये हैवानियत का काम तो कर ही रहा था और साथ साथ वीडियो बनाकर जो है इसको वायरल भी कर दिया। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो इसलिए नहीं भी दिखा सकता कि इस वीडियो में इस अंधभक्तों ने इस साधु को या इस हिंदू महंत को माँ और बहन लगाकर गाली दिया है, जो दोस्तों मैं आपको सुना नहीं सकता। दोस्तों, एक बार तो सोच भी रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं आपको सुना दूँ या दिखा दूँ, लेकिन YouTube के नियम अनुसार भी मैं आपको इस वीडियो को दिखा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आप वाकई में ये जो घटना जो मध्य प्रदेश के खंडवा में किया गया, अगर आपको लग रहा है कि इन लोगों ने यह काम गलत किया है, चाहे वह मुसलमान के साथ करें या फिर किसी हिंदू के साथ ये सब काम करें, दोस्तों ये काम करना गलत है और इस तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से साधु को सरेआम लोगों के सामने इसको मारा पीटा जा रहा है, दोस्तों इनके बाल को काट दिया जा रहा है, और तो और यहां तक खबर मिल रही है कि इसको नंगा करने की भी बात सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, ये जो खबर मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है, दोस्तों मध्य प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटना हो रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाकई में इस खबर के अगर आप निंदा करने वाले हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर लिखें कि इन लोगों ने, इन भगवाधारियों ने जो भी इस हिंदू महंत या पंडित के साथ किया है वह एकदम गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के नई से नई रिपोर्ट को पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द इसी तरह की एक नई वीडियो, नई रिपोर्ट लेकर। जय हिंद, खुदा हाफिज़।